तो ये जो न्यूमेरिकल्स है ये भी सेम साउंड लेसन का ही है। तो इसमें क्या है कि अ सर्टेन साउंड वेव इन एयर हैज स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड, मीन स्पीड गिवन है तो आप लिख देते हैं हम कि जो स्पीड है वी है, क्या दिया वो साउंड वेव का दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद गिवन है कि एंड वेवलेंथ इज 1.7 मीटर, तो वेवलेंथ मीन्स लेमड़ा दिया है, लेमड़ा दिया 1.7 मीटर फॉर दिस वेव, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। तो क्वेश्चन तो इजी है बट थोड़ा समझना इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझना चाहिए आपको। तो जैसे कि पिछले न्यूमेरिकल्स में मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था v इक्वल्स टू एन लेमड़ा, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। एक होगा जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, तो जो फ्रीक्वेंसी होगा यहाँ पे लिखता हूँ कि पहले हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे फॉर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब जिसको हम कहते हैं एंथ डिनोट करते हैं, वो हमें फाइंड करना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वी इक्वल्स टू एन लेमड़ा, तो हमें इसमें वी पता है, लेमड़ा पता है, वी लेमड़ा पता है, तो हम एन को क्या करेंगे हम फाइंड कर लेंगे। तो जस्ट वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे के वी इक्वल्स टू एन लेमड़ा, देन वेलोसिटी हमें गिवन है कितना 340 इक्वल्स टू एन की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हमारी फ्रिक्वेंसी है, और जो लेमड़ा की वैल्यू वो भी गिवन है 1 × 1.7 मीटर। तो अब 1.7 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 340 डिवाइड बाय 1.7 यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ का डिवाइड इक्वल्स टू एन फ्रीक्वेंसी, तो हमारी वैल्यू आएगी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, इसे कट करने के लिए देखो अगर 340.1.7, तो अगर आप इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट मैं मान के चलता हूँ कि आपको कट करना नहीं आ रहा। तो मैं बताता हूँ कि देखो नीचे पॉइंट पर रिमूव करने के लिए एकदम 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3400, एंड नीचे ये जीरो का यूटिलाइज हो जाएगा पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए, तो ये आ जाएगा 17। अब 17 से कट करना तो देखो 17 × 17 = 34, एंड ये दो जीरो ऐसे लग जाएंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी की फाइनल वैल्यू क्या आई 200/1 मीन्स 200, तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है n इक्वल्स टू कितना आया 200, एंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट यहाँ पे होगी हर्ट्ज ना, तो फाइनली हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आया फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 200 हर्ट्स। तुम्हारा ए सॉल्व हो गया, देन हमारा बी क्या था कि बी था हमें फाइंड करने के लिए द पीरियड, पीरियड से यहाँ मतलब है कि इसका टाइम पीरियड, कि टाइम पीरियड कितना होगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे भी ज़्यादा इजी है कि टाइम पीरियड बी हम लिखते हैं कि पीरियड, इसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड टी से करते हैं, और ये भी हमें फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी, सिंपल है, देन टी इक्वल्स टू 1/, हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 है, यहाँ पर 200 की वैल्यू पुट कर दो। तो अब इसे भी अगर आपको सॉल्व करना है तो एकदम इजी है, सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं वही मान के चलता हूँ कि आपको नहीं आ रहा। तो मैं बताता हूँ क्या करना है आपको, कि ये जो टी है टी को एज इट इज रहने दीजिए इक्वल्स टू 1/, जो 2 है इसको 2 × 100 कर दो। तो आपको पता है कि 1/2 क्या होता है इक्वल्स टू 0.5 होता है, एंड डिवाइड बाय जो 100 है इससे क्या हो जाएगा टी इक्वल्स टू 100 से यहाँ पे पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारा आएगा 0.005। देखो यहाँ पे 5 भी जस्ट बाद पॉइंट था, 100 से डिवाइड किया तो पॉइंट यहाँ से एक एंड दो पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया। तो फाइनल हमारा आंसर हमारा टी का क्या आ गया 0.005, इसकी यूनिट क्या होगी सेकेंड। तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना आएगा लिखेंगे लास्ट में, हेंस आंसर लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि देयर फॉर ए जो था फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कितना है 200 हर्ट्स है, एंड जो बी हमें फाइंड करना था टाइम पीरियड या तो डायरेक्ट लिखते हैं पीरियड, वो कितना है हमारा 0.005 सेकेंड। तो हमारा भी ये न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व हो गया।